सो एक्सपायरी डे पर आप किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करोगे डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी और एग्जैक्ट प्लान मिलेगा किस तरीके से कल आपको एक्सपायरी डे पर ट्रेड करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले स्क्रीन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, देन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। ठीक है, आज आज के दिन में डेफिनेटली आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, प्लस अगर आपने आपने अगर कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा, तो डेफिनेटली आप लोगों ने आज पैसा कमाया होगा, डेफिनेटली। ठीक है, जो लोग एवरीडे अगर मुझे एनालिसिस वीडियो में फॉलो करते हैं, उनका डेफिनेटली पैसा बना ही होगा, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, क्योंकि जो लेवल मैंने बताया था एक्जैक्टली उसी लेवल से ब्रेकडाउन हुआ और एक शानदार पैसा बना, चाहे वो निफ्टी के अंदर हो बैंक निफ्टी के अंदर हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, फ्राइडे पर हमारी क्या माइंडसेट, क्या साइकोलॉजी होना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे एक्जैक्टली ब्रेकआउट हुआ है हमको, 18,100 का जो ब्रेकआउट था एक्जैक्टली हमको ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला, और फिलहाल हम टॉप लेवल पे देखें, एक हमको जो डोजी कैंडल देखने को मिली थी, कल वाली कैंडल देखोगे तो थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ, कल वाली कैंडल देखोगे एक कंफ्यूजन कैंडल थी जहां पर मार्केट का डायरेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, और आज के दिन में मार्केट गैप अप हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेरिश एंगल फिंग देखने को मिली, उससे पहले हमको एक स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं या फिर एक कंफ्यूजन कैंडल यहाँ पर देखने को मिली, तो दो थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो हमको यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है एट द टॉप। ठीक है, उससे पहले हम देखें ट्रेंड काफी ज्यादा बुलिश, एक चीज समझो बिना रिट्रेसमेंट के मार्केट ऊपर आया है, यहां से देखोगे तो प्राइस ने कहीं पर भी वेट नहीं किया, डायरेक्टली वो यहाँ पर पहुंचा, और यहाँ पर लास्ट की कुछ कैंडल्स देखोगे कंटिन्यूसली गैप अप के साथ ही ऊपर गया है। ठीक है मार्केट, एंड आज देखो मार्केट थोड़ा सा गैप अप हुआ, लेकिन इतना बड़ा गैप अप नहीं हुआ, उसके बाद जो है मार्केट कंटिन्यूसली नेगेटिव आया, और दिख रहा था मार्केट की काफी अच्छा ऑलरेडी तेजी हो चुकी है, तो अब थोड़ा सा इसमें सेलिंग प्रेशर आना तय है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कल किस तरीके से प्लान करना, उसके लिए हम चीजें प्लान कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक लेवल है 18,100 का लेवल। ठीक है, अभी हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर देख लेते हैं किस तरीके से हमको प्लान करना है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में हम देख चुके हैं कि मार्केट का सिनारियो नेगेटिव है, एंड मैंने जो लेवल दिया था आपको आज उस एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ। लेवल आपको पता था 18,100 का लेवल था, उसके नीचे मैंने आपको बताया था, एंड टेलीग्राम चैनल के अंदर चार्ट भी यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक ट्राइंगल चार्ट पैटर्न का चार्ट शेयर किया था, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ और काफी बड़ा टारगेट आपको यहाँ तक का टारगेट आपको मिल गया, इजिली 1:2, 1:3 का टारगेट आपको इजी मिल गया, डेफिनेटली आप लोगों ने यहाँ पर पैसा बनाया। अभी हम बात कर लेते हैं सिंपल आपका प्लान क्या होना चाहिए, अगर कल प्राइस साइडवेज ओपन होती है तो यहाँ से इसके नीचे डे का लो क्रॉस करते हम सेल के लिए देख लेंगे। ठीक है, अगर डे का लो क्रॉस करती है प्राइस तो डायरेक्टली सेल के लिए देखेंगे, अदरवाइज फिर से अगर प्राइस जो 18,100 के ऊपर सस्टेन कर जाती तो इसके ऊपर हम कॉल की पोजीशन बना सकते हैं अगेन। ठीक है, उसके लिए लेवल क्या 18,100 के ऊपर अच्छे से क्लोजिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, अग्रेसिवली कॉल के लिए प्लान मत करना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक नेगेटिव कैंडल बनाया है, बेरिश एंगल्फिंग बनाई है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिल रहा है, तो हम बाय के लिए कब प्लान करेंगे, जब थोड़ा सा कंफर्मेशन होगा, यहाँ से अगर प्राइस साइडवेज ओपन होकर इस लेवल से साइडवेज ओपन होकर फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ निकल रही है, एंड एक कैंडल क्लोज होने देना 18,100 के ऊपर, जब कैंडल क्लोज हो जाती है उसके बाद हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या बाय का प्लान, सेल के लिए सिंपल होना चाहिए, कल अगर बाय एनी चांस मार्केट साइडवेज ओपन होता है यहाँ से, तो ये पूरा वॉलिटिलिटी एरिया रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी डे तो आपको डेफिनेटली मौका मिलने वाला है, दोनों ही तरफ मोमेंटम होगा, चाहे वो कॉल साइड हो पुट साइड हो, दोनों ही तरफ पूरे दिन में मोमेंटम होने वाला है, तो आपको बस पेशेंस के साथ वेट करना है और अच्छे ट्रेड पर आपको ट्रेड करना। अगर कल प्राइस साइडवेज ओपन होती है तो डे का लो जैसे क्रॉस हो आप डायरेक्टली पुट की पोजिशन में बैठ सकते हो, एक काफी अच्छा रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिलेगा, एक मॉर्निंग में काफी अच्छा सेलअप आ सकता है। ठीक है, टारगेट लेवल क्या क्या हो सकते हैं, एक जो प्रीवियस डे का ये जो हाई है ये आपका एक टारगेट पॉइंट हो सकता है, 18,019 का लेवल या फिर 18,020-30 का लेवल है, ये वाला लेवल आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये क्रॉस करती प्राइस देन सेकंड टारगेट शुड बी 18,000 इज योर सेकंड टारगेट। ठीक है, 18,000 के आसपास या फिर 17,990 का लेवल ये आपका टारगेट पॉइंट होना चाहिए, बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाएगा तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ मैं जो टेलीग्राम चैनल के अंदर चार्ट शेयर कर दूंगा। ठीक है, ऊपर में साइड टारगेट हो सकता है डे का हाई, सॉरी हाँ आज के दिन के हाई के आसपास का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, यानी कि 18,160 हो गया, 170 हो गया, ये टारगेट हमारा प्लान ऊपर की तरफ होना चाहिए अगर कॉल साइड ब्रेकआउट होता है तो। ठीक है, आई होप कि निफ्टी का क्लियर हो गया। चलिए अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूँ, एंड एक्सपायरी डे है तो किस तरीके से प्लान करेगा मार्केट हम देख लेते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा मार्केट की साइकोलॉजी समझते हैं, हम अभी चल रहे हैं ऑल टाइम हाई के आसपास, यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर देता हूँ, ये देख सकते हो एक बहुत बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया। ठीक है, यहाँ से देखो एक बड़ी गिरावट हुई थी, फिर स्लो एंड स्टेडी मार्केट ऊपर आया, काफी अच्छी तेजी हुई, फिर यहाँ पर हीट किया, ऑल टाइम हाई के आसपास हीट किया, फिर गिरावट हुई और फिर तेजी हुई, यानी कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न है और एक ब्रेकआउट से पहले काफी अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर चल रहा है।
तो अगर ये ऑल टाइम हाई को निकालेगा आने वाले टाइम के अंदर, तो एक बहुत बड़ी तेजी हमको देखने को मिलने वाली है, एक बहुत ही बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो हम पोजिशनल ट्रेड उसके बाद ले सकते हैं ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद, उसके ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग मिलती है तो। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं फिलहाल अगर देखोगे हायर लेवल के आसपास, क्योंकि मार्केट आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास, ऑल टाइम हाई के आसपास पहले भी हिट किया था, गिरावट हुई, फिर से उसी लेवल के आसपास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज समझो, यहाँ पर सेलर्स कंटिन्यूसली इसको मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। एवरीडे मार्केट देख सकते हो गैप अप हो रहा है, एवरीडे मार्केट गैप अप हो रहा है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मार्केट जो है कैंडल जो देख सकते हो रेड कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग कर रही है। पिछले 7 दिन से देखोगे ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूम रहा है। ठीक है, तो अभी आपको एक बहुत बड़ा ट्रेड मिलने वाला है, पोजिशनल ट्रेड आप लेके जा सकते हो घर पे। अगर बाय एनी चांस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो कॉल साइड आपको लेके जाना है घर पे, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो पुट साइड आपको ट्रेड मिलेगा। दोनों ही तरफ मोमेंटम बहुत फास्ट होगा, कम से कम 1000 पॉइंट का मोमेंटम बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा और बहुत ही फास्ट मोमेंटम 1000 पॉइंट में आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये तो हो गई बड़ी पोजिशनल की बात। अभी हम देख लेते हैं इंट्राडे के अंदर आपको कल किस तरीके से प्लान करना है। ठीक है, ये देख सकते हो 7 दिन की रेंज बना चुका है, अब इसका ब्रेकआउट होने वाला है, चाहे वो अपसाइड हो डाउनसाइड हो किसी एक तरफ ब्रेकआउट हो सकता है, एक दो दिनों में हमको ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं लगा लेता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट एंड 15 मिनट पर देख लेते हैं किस तरीके से आपको प्लान करना है। कल जो मैंने आपको लेवल दिया था उस लेवल पर अगर आपने ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली आप लोगों का पैसा बना होगा। ठीक है, मैंने आपको लेवल बताया था 41,220 का लेवल या फिर 41,200 का लेवल, ये लेवल मैंने आपको एक्जैक्टली दिया था एंड मैंने बोला था इसके नीचे मार्केट नेगेटिव हो जाएगा एंड इसके नीचे आप पुट बाय कर सकते हो। और एक्जैक्टली हमारा यहाँ पर काफी बड़ा टारगेट हमको देखने को मिला और मार्केट नीचे आया आज के दिन में और काफी अच्छी गिरावट हुई है एंड पुट साइड काफी अच्छा पैसा आप लोगों का इस लेवल पर, ये लेवल जो ब्रेकडाउन पर आपको मिला होगा। ठीक है, ये तो हो गई बात अभी की। अभी हम देख लेते हैं कल के लिए हमको किस तरीके से प्लान करना है, आप वो हम देख लेते हैं। ठीक है, फिलहाल प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास दिख रही है तो प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेती हुई हमको नजर आ रही है। ठीक है, अगर कल प्राइस साइडवेज ओपन होती है, अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है इस रेंज के बीच में, अगर मार्केट ओपन होता है तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, सिंपल आपको रखना है कि इस रेंज के बीच में ओपन होती है, इस स्विंग के नीचे निकलते ही डे का लो क्रॉस करते ही आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो, काफी अच्छा सेलअप आ जाएगा। और बाय के लिए बात करूं तो जब तक कि 41,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, जब तक कि ये प्राइस 41,230 या फिर 240 का लेवल है या फिर 250 का लेवल, इस लेवल के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगी प्राइस, तब तक कॉल के लिए हमको कल नहीं देखना है। ठीक है, गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा तो फिर हम लेवल्स देख लेंगे, हमारे लेवल्स में अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा तो लेवल्स अपडेट कर दूंगा, बाकी सारे लेवल्स एज इट इज रहने वाले हैं। नीचे में अगर नीचे में सेल साइड देखते हो तो टारगेट आपका रहेगा 40,850 का टारगेट मैक्सिमम हो सकता है, ये हम टारगेट प्लान करके चल सकते हैं कल के दिन में। अगर गिरावट होगी तो यहाँ तक का आपको आसानी से टारगेट मिल जाएगा। ओवरऑल देखें बड़े टाइम फ्रेम पर तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। इस तरीके से देखोगे यहाँ से एक तेजी हुई, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, फिर तेजी हुई, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर तेजी हुई, फिर रिट्रेसमेंट, हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला, उसका आज ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है। तो ये अगर कल कंटिन्यू करेगा तो यहाँ तक का टारगेट आपको प्लान कर सकता है, 40,800 तक का टारगेट आपको, 40,850 तक का टारगेट आपको इजीली दे सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, आई होप कि सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। ऊपर में अगर मैं बात करूँ तो ये एक लेवल ये मार्क करके रख लो, 41,450 का लेवल है और फिर 41,500 का लेवल, 600 का लेवल, हर एक 100 पॉइंट जो है एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है बैंक निफ्टी के अंदर, हर एक 100 पॉइंट आपका एक टारगेट पॉइंट होना ही चाहिए। ठीक है, आई होप कि सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। मैं एरो लगा लेता हूं ताकि आपको क्लियर का डायरेक्शन मिल जाए किस लेवल पर आपको क्या करना है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर आपको जो है बाय के लिए देखना है, 41,200 या फिर 250 के ऊपर क्लोजिंग मिलने देना बाय के लिए, और सेल के लिए डायरेक्टली डे का लो क्रॉस करते ही हम पुट की पोजिशन में बैठ जाएंगे बिना क्लोजिंग के। ठीक है, एंड स्टॉप लॉस के साथ करना है, बिना स्टॉप लॉस के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करना है। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। चलिए स्टॉक को देख लेते हैं, कौन से स्टॉक को आप जो है ट्रेड कर सकते हो। पहला स्टॉक है बाटा इंडिया। इस स्टॉक को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो एक मेजर ब्रेकआउट के आसपास मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली प्राइस जो एक फ्लैग पैटर्न बना रही, नीचे से तेजी हुई तो उसके बाद काफी लॉन्ग टाइम से प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एक कंसोलिडेशन चल रहा है और इसका ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो कल अगर डे के हाई के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ से एक बड़ी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। आज काफी अच्छी तेजी हुई अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो कल अगर डे का हाई क्रॉस कर रहा है तो यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, तो इसमें हम बाय के लिए कल प्लान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टोरेंट फार्मा। अगर कल मार्केट नेगेटिव रहता है तो इस स्टॉक के अंदर हमको काफी अच्छी गिरावट हो सकती है। देखो बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए, यहाँ से देखो कंटिन्यूसली गिरावट हो रही थी, फिलहाल हम देखे थे एक पैटर्न बना था, एक बुलिश पैटर्न बना था, एक्जेक्टली कल ब्रेकआउट हुआ था और आज फिर से हम रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला है। अगर कैंडलस्टिक की बात करूँ तो डार्क क्लाउड पैटर्न हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो अगर कल 2 दिन का लो ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो डे लो है ये क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद हम इसको सेल के लिए प्लान कर सकते हैं, अच्छी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए तो इग्नोर करना है। ठीक है,
लास्ट स्टॉक एक और देख लेते हैं, ये है ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट लिमिटेड को देखोगे तो काफी अच्छी तेजी हमको देखने को मिली है, यहाँ से बॉटम से देखिए काफी अच्छी तेजी हुई, अभी हाई लेवल के आसपास हमको एक बेरिश एंगलफिंग देखने को मिली है। ठीक है, तो कल अगर मार्केट नेगेटिव रहता है दो दिन, आज का जो डे लो क्रॉस करता है इसके नीचे हम इसको सेल के लिए प्लान कर सकते हैं, अच्छी गिरावट इस पर देखने को मिल सकती है। 1:2 टारगेट के लिए प्लान करना है, 5 से 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस आप इसके अंदर रख सकते हो। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो चुका हो किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों ने दोस्तों आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको ज्वाइन करो। लाइव मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड होता है आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, कोई भी लेवल्स अपडेट होते हैं मैं सारी चीजें यहाँ पर शेयर कर देता हूँ मॉर्निंग में चार्ट के थ्रू। ठीक है, एंड मेरा प्रॉफिट एंड लॉस वो चीजें भी आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, एंड जो लोग जो ट्रेड में लेता हूँ वो ट्रेड आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लो। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने इंट्राडे एडवांस कोर्स बना रखा है, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग से रेगुलर पैसा कमाना चाहते हैं एंड आपको जो भी लॉसेस हुए हैं किसी भी रीजन से हुए हैं, लेकिन जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक वो लॉसेस रिकवर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको सीखना ही पड़ेगा, आपके पास यही ऑप्शन है। और खासकर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो बिना सीखे तो दोस्तों आपको बड़ा लॉस हो सकता है। एंड डेफिनेटली अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होंगे और अगर आपने नहीं सीखा तो 100% गारंटी के साथ अभी लॉस में ही आपकी पोजिशन चल रही होगी, नेट टू नेट आप लॉस में होंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको सीखना ही पड़ेगा और आप लोगों के लिए मैंने पूरा इंट्राडे एडवांस कोर्स बनाया है और इसमें अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 500 रुपए का आपको उसमें डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको कूपन कोड यूज करना है HEIST20 तो 2500 नहीं आपको 2000 पे करके आपको जो है कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है तो ऑफर जा सकता है। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।